हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 12। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मींस सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तीनों टाइप के हमने रिलेशन पढ़े थे। अब रिलेशन जो हमने तीनों टाइप के पढ़े थे, उनके बेसिस पर हम क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 लिए मैंने एनसीईआरटी की। पहले हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन लिए हुए हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम कुछ अलग नोट्स हैं, जो अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों या फिर किसी अदर साइड बुक के हैं या फिर किसी क्वेश्चन बैंक के हों, ओके, या फिर किसी प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर के हों, वो सारे के सारे हम देखेंगे उसमें से मेन मेन क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट भी हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है आपको, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई सेट ए दे रखा है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 एंड 13, 14 तक। ये नेचुरल नंबर का सेट है जहाँ 14 तक है डिफाइंड। ये डिफाइंड है एज, जो रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है सेट ए में। सेट ए टू ए ही रहेगा यहाँ पर रिलेशन। सो रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यानी कि एक्स कॉमा वाई इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएंगे। कौन सी कंडीशन पे? कंडीशन दे रखी है 3x - y इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन इज 3x - y इज इक्वल टू 0 हमें शो करना है। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। सो बेसिकली ये वाली कंडीशन दे रखी है 3x - y इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा स्टूडेंट्स। 3x इज इक्वल टू माइनस का वाई इधर आगे किसको हो जाएगा? प्लस का वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यूज आती रहेंगी, जैसे कि 3x, x की वैल्यू यहाँ से ही लेंगे, ठीक है। और y की वैल्यू भी कहाँ आनी चाहिए? इसी सेट के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि सेट a ही डिफाइन हुआ है, दूसरा सेट कोई दे नहीं रखा है। ओके, सो 3x तो 3, 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 3। अब 3x की वैल्यू कितनी रख दी हमने? 2। सो 3×2 = 6 आ जाएगी। फिर 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस तरीके से होते हैं। फिर इस तरीके से 3 की वैल्यू हमने y x किया कितना रखा? 4 रखा, 3 का 4 तो होगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 3×4 = 12। अब नेक्स्ट इज 3, 5 इज इक्वल टू y 3, 5 = 15। अच्छा, तो y की वैल्यू हम 15 रख सकते हैं? बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम y की वैल्यू 15 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 15 डजंट बिलोंग टू सेट ए, सेट ए को बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो y की वैल्यू हम 15 नहीं रख सकते। सो हमारी वैल्यू जो आई हमारी क्या आई? y की वैल्यू 3, 6, 9 एंड 12। सो जो रिलेशन है, सो स्टूडेंट्स जो रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे? वो आएंगे हमारे, देखो हमने जब x की वैल्यू कितनी रखी? 1 रखी, तो कितना आया हमारे पास? 3। 2 रखने पर वैल्यू आई y की 6 एंड 3 रखने पर y की वैल्यू आई 9 एंड 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 12 आई, यही तो आई। और हमने जब 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रही, कौन से सेट को? सेट ए को। सो पहले हमें रिफ्लेक्सिव फाइंड करना, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती थी कि सारे आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करने चाहिए, मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 14, 14, जितने भी एलिमेंट हैं सब बिलोंग करने चाहिए आर को। बट यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई रिलेशन को बिलोंग करने नहीं कर रहा ना, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है बेटा वो कैसा नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स लेट चेक इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक के लिए वी हैव टू फाइंड, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होती है कि एक अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, सो बी कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब बेटा यहाँ पे देखिए, ए कोमा बी मीन्स हमने 1, 3 लिया, ये बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। अब 1, 3 का उल्टा क्या हो गया? 3, 1।
थ्री कोमा वन बिलोंग कर रहा है आर को। देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट थ्री कोमा वन ऐसा नहीं है जो बिलोंग कर रहा हो किसको, आर को। सो इट इज़ अ कंडीशन कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। अगर बिलोंग कर रहा होता तो इट इज सिमेट्रिक। नाउ लेट्स फाइंड इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स करता है आर को। सो वी कैन से दैट ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट। सो देखिए 1,3 फर्स्ट एलिमेंट 1,3 ये बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। बी कॉमा सी मीन्स 1,3 फिर 3,9 जहाँ से एंड होता है वहीं से शुरू करते ना, 3,9 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, चलो ठीक है। सो 1,3 और 3,9 बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर क्या होगा, 1,9 बिलोंग कर रहा है आर को, ये 1,9 बिलोंग्स आर, बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, ये इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट इज द कंडीशन दैट यू कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर कैसा नहीं है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो यहाँ पर लिख देना आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव, जो भी है तीनों चीज़ें नहीं है, ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन आर कोरिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर का रिलेशन है, ठीक है, कि एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 4, क्या रहनी चाहिए, लेस देन 4 रहनी चाहिए। अब हम सेट बनाते हैं रिलेशन आर का, ये सेट हम इसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। सो पहले हम जो रखेंगे वैल्यू y की, x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी रखेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से, ओके। जब 1 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स तो 1,2,3 हम तीन ही वैल्यू रख सकते हैं, 1,2,3 क्योंकि 4 रखेंगे, 4 इक्वल तो दे नहीं रखिए, लेस देन दे रखिए। सो देयर इज द कंडीशन x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर हमने रखा 2 कंडीशन 7 आई y की वैल्यू एंड 3 फिर y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, यानी कि जो सेट बनेगा वो बनेगा हमारा 1,6 2,7 एंड 3,8, दिस इज द सेट ऑफ रिलेशन आर। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये फाइंड करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और नॉट। सो पहले हम रिफ्लेक्सिव फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्सिव इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए किसको, इसको, यानी कि 1,1 2,2 3,3 इस टाइप का कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 1,1 2,2 एंड सो ऑन डजेंट बिलोंग्स टू आर। सो दैट इज द कंडीशन यू कैन से दैट कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्री, इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सो सिमेट्रिक के लिए 1,6 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, लेकिन 6,1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, ये तो कंडीशन होती है कि 1,6 बिलोंग कर रहा है आर को लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, 2,7 बिलोंग कर रहा है आर को लेकिन 7,2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, एंड इसी तरीके से 3,8 वाली कंडीशन, यानी कि यू कैन से दैट यहाँ पर आर लिखना था, आर इज, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर कैसे नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं हम, ट्रांजिटिव में कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इज अ कंडीशन दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। नाउ लेट्स चेक 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि कोई भी सेट में ऐसे एलिमेंट नहीं है रिलेशन में कि जिसका रिलेशन 6,something हो। सो वहाँ पर ऐसी कंडीशन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन बनी कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, लेकिन b कोमा c बिलोंग डजेंट बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग नहीं कर रहा है r को। तो मैंने ये कंडीशन आपको पहले बताई थी कि ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर b कोमा c बिलोंग नहीं कर रहा है r को। अगर b कोमा c बिलोंग्स कर जाता r को तो a कोमा c देखना था हमें, अब जब b कोमा c ही नहीं है तो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे नहीं, फाइंड आउट ही नहीं करेंगे, और डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे एक बात और लिख देना, a कोमा b बिलोंग्स टू r बट
बी कॉमा सी डजेंट बिलोंग्स टू आर, ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो बिलोंग कर रहा है इस, ये वाली कंडीशन बिलोंग कर रहा है किसको, आर को. सो आर इज ट्रांजिटिव. आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से करना है. तो आर इज ट्रांजिटिव. सो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन इज रिलेशन आर इन अ सेट. सेट ए दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 तक एलिमेंट है और रिलेशन दे रखा है, डिफाइन किया गया है कि x, y और जो कंडीशन दे रखी है y इज डिविजिबल बाई x. y किससे डिविजिबल है, x से है. तो पहले हम फाइंड करते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. सो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कंडीशन निकालते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक दूसरे के इसमें सेट को बिलोंग करने चाहिए. अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, कंडीशन दे रखी है y इज डिविजिबल बाय x, y जो हो वो डिविजिबल हो किससे, x से. तो ये बताइए कि 1, 1 किससे डिविजिबल है, 1 से. कंडीशन सेटिस्फाइड है, y क्या हो गया 1 हो गया, x क्या हो गया, यहाँ भी 1 हो गया. 2, 2 y की वैल्यू भी 2 हो गई, x की वैल्यू भी 2 हो गई. 3, 3 एंड 4, 4 5, 5 6, 6. क्या ये सारे एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं इस सेट को बिलोंग करते हुए 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, क्या इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होते ही है ना. सो आइडेंटिटी एलिमेंट एक दूसरे से डिविजिबल है, यानी कि y की जितनी भी वैल्यू रखोगे आप वो x से डिविजिबल होंगी. क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम सेम रख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है किसको, सेट r को. इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि वी कैन से दैट r इज रिफ्लेक्सिव. इतनी बात ध्यान रखना और इसी बात पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि r इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम सिमेट्रिक वाला, कि इट इज सिमेट्रिक और नॉट. सो सिमेट्रिक के लिए हमने देखा कि y इज डिविजिबल बाई x, हमने 1 लिया और 2 लिया, क्या लिया 1 और 2, बिलोंग करेगा r को, बिल्कुल करेगा. y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 1, क्या 1 2 2 नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है. सो इट इज डिविजिबल बाई 1. ओके, अब ये तो बिलोंग कर रहा है r को, क्या अब ये बताइए, इसको उल्टा कर दिया मैंने 2, 1 इज इक्वल टू, अब ये बताओ ये बिलोंग करेगा आर को या नहीं करेगा, क्या 1 डिविजिबल है 2 से. हमने कंडीशन रखी कि 2 इज डिविजिबल बाई 1, क्या 1 डिविजिबल है 2 से. या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो कोई, क्या जैसे कि 2, 4 ले लिया हमने, तो 4 तो डिविजिबल है 2 से, लेकिन क्या 2 डिविजिबल है 4 से, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 1 डिविजिबल हो जाए किससे, 2 से, क्योंकि आंसर तो पॉइंट में आएगा, डिविजिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना. तो इट इज डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक. कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट पे हमारे ट्रांजिटिविटी. सो लेट्स फाइंड इट इज ट्रांजिटिव और नॉट. सो सिंपली मैंने कोई एलिमेंट लिया 1, 2, 2 डिविजिबल है, अब 1 से ये बिलोंग करेगा आर को, करेगा ना, ठीक है. 2, 4 इट बिलोंग्स टू आर, कंडीशन सेटिस्फाई कि 2, 4 ठीक है. अब 2, 2 आ गया, यानी कि अब निकाला हमने 1, 4 इट इज बिलोंग्स टू आर, यस ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू आर. देखो क्या कंडीशन है, y इज डिविजिबल बाई x, y की वैल्यू कितनी ली हमने 2 ली, x की ले लिया हम 1, क्योंकि दिखा रहे ना कि बिलोंग कर रहा है r को, तो 1, 2 बिलोंग्स टू r. अब हम ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट 2 ही होगा, ठीक है, और 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, 4 हमारा क्या हो गया, y हो गया, और 2 क्या हो गया हमारा, x हो गया, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r. अब हम चेक करेंगे कि a, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r चेक करने के लिए 2 तो हम हटा देंगे यहाँ से, 1, 4. अब ये बताइए कि 4 डिविजिबल है अपन से या नहीं है, ऑफ कोर्स 4 इज डिविजिबल बाई 1, सो देयर इज अ कंडीशन देन 1, 4 बिलोंग्स टू r, यानी कि यू कैन से दैट r इज ट्रांजिटिव. सो इस क्वेश्चन में हमारा r सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था, बट यहाँ पे क्या नहीं था, सिमेट्री नहीं बन रही थी, यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक. नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ सेट r रिलेशन इन z, रिलेशन किस में है, सेट, सेट जो दे रखा है z दे रखा है, z इज इक्वल टू z क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, याद है ना, इंटीजर्स का सेट दे रखा है. ओके,
और रिलेशन डिफाइन किया गया कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर दे रखे हैं। ओके नाउ लेट्स सॉल्व। सो जेड इंटीजर्स का कोई सेट दे रखा है एंड देयर इज अ कंडीशन एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके अब लेट्स फाइंड आउट इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। पहले हम रिफ्लेक्सिव फाइंड करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट लेंगे यानी कि एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर। किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग नहीं करना चाहिए, या फिर वाई माइनस वाई बिलोंग्स टू आर। सो दैट्स टाइप ऑफ कंडीशन इट इज। सो एक्स की वैल्यू हमने सेम ले ली, वाई की वैल्यू भी हमने सेम ले ली, यानी कि वन माइनस वन कर लिया, ये कितना आ गया जीरो। इट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि सेट जेड को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, सेट जेड को बिलोंग कर रहा है। टू माइनस टू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, बिलोंग करेगा जेड को। मीन्स जब बिलोंग कर रहा है जेड को यानी कि इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर की कंडीशन तो ये थी कि ये सारे के सारे जो सेट होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, आर को। समझ रहे हैं ना, यानी कि वन माइनस वन टू कोमा टू जितने भी सेट होंगे, वन कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे किसको, आर को बिलोंग करेंगे। वैल्यू जीरो आएगी बट जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो यू कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स चेक द इट इज सिमेट्रिक और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट। चलो सिमेट्रिक में ये कहता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, सो बी कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। सो ए कोमा बी कोई भी एलिमेंट ले लो, दो ए कोमा बी में लेट्स लेट वन कोमा टू ले लिया, बिलोंग कर रहा है आर को। मीन्स वन माइनस टू, वन माइनस टू की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन। माइनस वन के जेड का, जेड को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि वन कोमा टू बिलोंग करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ना। एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन कोमा टू का टू कोमा वन। ये बताओ टू कोमा वन बिलोंग करेगा आर को या नहीं करेगा, लेट्स चेक। वन माइनस टू तो आप क्या कर देंगे, टू माइनस वन, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, वन आ गई। अब वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वन भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। जब वन कोमा टू बिलोंग करेगा आर को, तो टू कोमा वन भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, क्योंकि माइनस करने पे चाहे आंसर प्लस में आए या फिर माइनस में आए, कहाँ पे जा रही है उसकी वैल्यू, इंटीजर है। उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज इज आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रहेगा। लेट्स चेक इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि एक्स कोमा, लेट्स चेक कि ए कोमा वाई नहीं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। सो वी हैव टू फाइंड एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा किसको, आर को, ये नहीं करेगा। ओके सो एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ओके एंड एक्स माइनस वाई, फिर हम माइनस करेंगे किसको, माइनस वाई माइनस जेड को, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए किसको, जेड को। इस टाइप से करेंगे इसको, तो क्या हुआ, ये एक्स माइनस वाई ये प्लस करेंगे और ये आएगा माइनस। हाँ ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई, तो ये माइनस से माइनस यानी कि एक्स माइनस जेड, ये बिलोंग करेगा किसको, आर को। अच्छा इस तरीके से समझ में नहीं आया, तो लेट्स टेक थ्री नंबर्स, वन कोमा टू कोमा थ्री। सो वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, कैसे कह सकते हैं वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वन में से टू को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, माइनस वन। माइनस वन किस क्या है, इंटीजर है। फिर क्या निकालेंगे हम, टू कोमा थ्री। अब टू कोमा थ्री बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल, टू में से थ्री को सब्सट्रैक्ट करें कितना आया, माइनस वन। ठीक है, अब हमने क्या लिया, वन कोमा थ्री। अब वन में से थ्री को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया आंसर, माइनस टू। माइनस टू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, माइनस टू भी क्या है, इंटीजर है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो देयर इज कंडीशन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। हमने ये वाली कंडीशन लिख ली, अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना। ओके लेट्स रफ दिस, ओके और ये वाली कंडीशन आप यहाँ लिख देना कि हमने एग्जांपल से कर लिया, वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, वन कोमा टू मीन्स वन माइनस टू, जो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा।
टू माइनस थ्री माइनस वन जो कि एक इंटीजर है एंड वन माइनस थ्री माइनस टू जो कि एक इंटीजर है। सो सारे के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं यानी कि आर इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक।